रोदा शाद रहे। माँ का साया भी पास रहे, वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, मन रंग लै इस विच यार के दुनिया रंग बरंगी। डिंगडंग 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 डिंगडंग। बिस्मिल्लाह करें, आप खाएं खाएं, मैं आ रहा हूँ, मैं हाजिर हो रहा हूँ, बैठ जा, तू खा देसी। आप फिक्र ना करें। बाईस तारीख को ना अक्दस के डैड ने भी आ जाना है, 27 तारीख बिल्कुल ठीक रहेगी। शादी की शॉपिंग रसिया आंटी के साथ? मेरे साथ नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब्बा जी, मैं बड़ी मेहनत करके पैसा कमाता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं इस तरह नहीं लुटा सकता। ना बेटे, हमारे घर में नहीं कभी ऐसे हुआ, बात समझने की कोशिश करते हैं। भाभी आप ऐसा करें ना, अब्बा जी को बता देना कि फसिया भाभी ने फरमाइश की है। बेटी के होने वाली सास के लिहाज में मानी जाएंगे। चाचा जी जब बदीद होने पर आते हैं ना, तो फिर अपनी बेटी का भी नहीं सोचते, तो बेटी की सास कौन सी ऐसी आला चीज है। दादा बहुत स्वीट है, आप बोलेंगे तो मान जाएंगे, और वैसे भी बख्तस भाई को पसंद भी तो कितना करते हैं। अक्तस भाई क्या होता है, अब वो तेरे फुफाई बनने वाले। दस भाई, चाचा ही मान भी गए तो तुम देख लेना, जहद ने कोई ना कोई टांगड़ा आ देनी बीच में। मगर इस सब की जरूरत क्या है, मुझे शादी ब्याह के कपड़े और सेवर के बारे में कुछ वैसे ही नहीं पता। फसिया आंटी को बोल देते हैं, वो खुद ही कर लेंगे। मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है। जी नहीं पप्पू, आपने यूज करना है कि फसिया आंटी। एग्जैक्टली, ये मौका बार बार नहीं मिलता जोया, और वो खुद से कह रही है। लेकिन इस तरह हर किसी से छुपा कर हर किसी को खफा कर। कोई खफा नहीं होगा भाई, हम भी तो तुम्हारे बड़े हैं, इजाजत दे रहे हैं ना, और अम्मी जी और अब्बा जी से भी इजाजत दिलवा के ही भेजेंगे, बाकी तुम फिक्र मत करो। भाभी आप बात करें अब्बा जी और अम्मा जी से। सिर्फ वो मेरी बहन है जो आप सारा बोझ मुझ पे डाल रहे हैं? आपको लगता है कि यहाँ नोट दरख्तों पर लगते हैं? अब्बा जी, मैं बड़ी मेहनत करके पैसा कमाता हूं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं इस तरह नहीं लुटा सकता। मियां जी, गीजर खराब हो गया, इतना ठंडा पानी, यख, ठर गई हूं मैं वजू करते। जमात खड़ी होने वाली है मियां जी। मैं घर पर ही नमाज पढ़ लूंगा, वजू करके आता हूँ। पानी बड़ा ठंडा है मियां जी, हाजरा से कहती हूँ आपके लिए पानी गर्म डाल देती है। रहन दे तू, रहन दे। चुप चुप पीते हो गए मियाँ जी, गोया के जाने के ख्याल। अब शफीक से बात हुई? बच्चे किधर है? कितने ने बच्चे? शाइनाद कॉलेज के ही है, और वो सदान सो रहा। 9 बज गए अभी तक सो रहा। भाई शफीक को फोन किया था आपने? हाँ, हो गई थी बात। अच्छा, तो क्या कहा उसने?
गीलर खराब हो गया है, ठंडे पानी से वजू करना पड़ा है। शफीक भाई ने? और तेरी माँ ने। गीलर खराब है, ठंडे पानी से वजू किया, बीमार हो गई है, उधर पड़ी है कमरे में बिस्तर पे, निछा मार रही है। भाई जा, एक उबला हुआ अंडा दे, चाय दे उसको। भाभी मैं दे आती। तो वो शफीक यार, तू क्या शफीक शफीक कर रहा? मैं कह रहा हूँ गीजर खराब हो गया है, ठंडे पानी से वजू करना पड़ा है, वो बीमार हो जाएंगे हम, बुढ़ा बुढ़ी मर जाएंगे। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं किसी को भिजवा के गीजर चेक करवा लेता हूँ। अब ये बताइएगा कि शफीक भाई अकेले आ रहे हैं या फिर फैमिली के साथ? और नहीं आएगा, और नहीं आएगा। नवाब दादा कह रहा था 2 महीने पहले बताना था, तब आ सकता था, और एहसान जता रहा है। दसो पैसे भेज देता हूँ, कितने पैसे चाहिए? अच्छा जी, तो फिर क्या कहा आपने? मैंने कहा था ओए मैं लानत भी नहीं भेजता उसके पैसे पर। अपनी बेटी की शादी के लिए 5 लाख तो क्या, 5 रुपए का भी मैं रवादार नहीं। ये क्या बात हुई? और जो अपनी बहन की रुखसती पर नहीं आ सकता वो ना आए। मैंने कह दिया अगर तू नहीं आएगा तो अपना पैसा भी अपने पास रख, हमें जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई अब्बा जी? अरे सजाद भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? शफीक भाई को अब्बा जी की आदत का पता है, उनके गुस्से का पता है, वो सब समझते हैं, इंशाल्लाह वो जरूर आएंगे। और नहीं आया, नहीं आएगा। कौन सफेद हो गया जो अपनी बहन की रुखसती पर नहीं आ सकता तो बतना है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, खबरदार तुम में से किसी ने उसका फोन सुना तो उठा ले रहा हूं मैं। शफीक से बात करने के बाद चाचा जी का मूड इतना खराब है, मैंने उनसे बात करके अपनी शामत नहीं बुलवानी चाची जी। अच्छा तो मेरी शामत बुलवानी है? चाची जी आपको देख के तो चाचा जी का गुस्सा ठंडा ठार हो जाता है। प्लीज आप कहिए ना, बताए ना उनको कि अब वो जमाने थोड़ी रह गए हैं कि वहाँ 6-6 साल मंगनियां ही रहती थी, अब 3 हफ्ते में उसकी शादी हो जानी है। बेचारी लड़की अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेगी, क्या बुरा है? हाँ फंसी आ जाएगी ना था। जाहिरी बात है चाची जी, सास के बगैर कैसे शॉपिंग पे जा सकती है? सास साथ ही जाएगी ना शॉपिंग कराने। मियाँ जी की फिक्र ना करो, उनसे बात मनवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल, सब जानते हो तुम, मेरी बात नहीं टालते वो। मगर जाहिद का क्या करें? हाँ तो उसे ना बताएं ना कि लड़का भी साथ जा रहा है, उसे बस कहें कि वो अपनी सास के साथ गई शॉपिंग करने, अपने नाप के कपड़े जूते लेने। चाची जी एक और बात भी कहनी है आपसे। हाँ रखी जा मुतालबे और फरमाइशें, एक माल्टा छील के दिया और उसके ऊपर इतनी सारी चीजें मनवा ले। चाची जी आपको याद है ना वो आपको जो गलतफहमी हुई थी जब मैंने खीर खाई थी तवीज वाली, आपने कहा था ना आपके दिल में ख्याल आया था कि वो जो बच्चा आएगा आप लैला की गोद में डाल देंगे। अब रबीना का और जाहिद का जो बच्चा आ रहा है वो लैला की गोद में डाल। देखे ना रबीना तो पहले ही हलकान हो गई 3-3 बच्चों के पीछे भागे दौड़े लगा कर, लैला का भला हो जाएगा। चल सोचती हूँ, एक माल्टा और छील के दूं, 2 बातें मानिए आप। यार हद ही कर दी अब्बा जी, ये को मौका था बात करने का, दूसरों से बातें करते और खुद कम नहीं है मसले पैदा करने और रुकावटें डालने। वक्त ही गुस्सा है, वो तो जरूरत भी तो वक्त ही है, बाद में क्या फायदा। अच्छा आप टेंशन ना लेना, मैं आज शफीक भाई से बात करता हूँ। वो करो यार बात, अब भाई से तो बात करना ही बेकार है भाई। ये नहीं उन्होंने सोचा कि वो फैमिली समेत पाकिस्तान आएगा तो कितना खर्चा होगा? फिर शफीक ने सोचा होगा कि टिकटों पे पैसे खर्च करने की बजाय मैं वही पैसे बहन को भेज देता हूँ, अब भाजी बिला वजह जज्बाती हो गए। अच्छा आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं बात कर लूँगा। फिलहाल आज आप कोई अच्छा सा हॉल बुक करा के मुझे टोटल बता दें, मैं आपको चेक दे देता हूँ। ठीक है, वो
मेहंदी तो घर पे होगी। हाँ हाँ, 30 से 40 लोग होंगे, वो भी हमारे यहाँ के। वो वसीहा के साथ नहीं ज्यादा कोई बंदों ने आना, और वो हाजरा ने अब वो मिलाद का आइडिया भी दे दिया। अब एक और इवेंट, डेकोरेशन की चीजें लिख ली है मेहंदी के लिए। लिखी। अच्छा जी, जो अब हमने सारे फंक्शन शुरू करने हैं ना शादी के, वो करना मिलाद से ही है शुरू, ताकि बरकत रहे, कोई मसला भी ना हो। केटरिंग तेरे से करानी है लैला, तेरे काम में भी बरकत पड़नी है इंशाल्लाह। पर ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर होगा, मैंने तो अभी सिर्फ 2 ऑर्डर्स लिए और वो भी 10-12 लोगों के। तो लैला चाची, ऐसे ही तो तजुर्बा होगा आपको। वैसे भी घर वालों से तुझे प्रॉफिट तो ज्यादा लेना नहीं, तो फिर हमारा भी तो फायदा हो जाए। लो जी, उसने कहा है फसीहा ने कि वेडिंग ड्रेस तो उसी ने बनाना है, तो अब हमने सिर्फ वलीमे का ड्रेस बनाना है। जोया को आज ही ले जाओ तुम लोग। हैं, ये उल्टा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो वलीमे का जोड़ा। बस वो कह रही है कि मैंने लाल मैंने बनवाना। चलो ठीक है। लैला चाची, मुझे भी शादी की शॉपिंग करनी है, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है, शॉपिंग तू कर लेना, एक जोड़ा बना लेना, पर मेरी शादी की 2 साड़ियाँ पड़ी हैं, देख ले उनको भी। नहीं ना, मैंने सारे कपड़े नए बनवाने हैं। जरूरी तो नहीं है ना पुत्र के हर वक्त खर्चा ही किया जाए, एक बना लेना, उनको देख ले साड़ी, उनको अपनी चाची को दिखा दे, हो सकता है कोई अच्छा ड्रेस उनमें से भी बन जाए। बन जाएगा तो मुझे दिखाओ तो सही, हो जाएगा सब कुछ। और हाँ रुबीना, घंटे में जा रही हूँ बाजार, तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक। चल फिर कल चली जाए, आप तो बाजारों में तो रोज ही जाना है, कल चली जाएगी। रहने दे भाभी, इस साल में क्या नए कपड़े बनाऊं, बाद में जाया ही होने हैं सारे, इतने खुले इस नाप के, पहन लूंगी कुछ ना कुछ। मैं तुम्हें अपनी डिजाइनर फ्रेंड के पास ले जाऊंगी, वो कुछ ऐसे कपड़े बना देगी जो बाद में हम ऑल्टर करके ठीक कर लेंगे, मसला ही नहीं है कोई। छोड़ो, क्या इस बेचारी को तुम लोगों ने बाजारों में सीटना है इस हालत में। मैं ले जाऊंगी इसको, जिस दिन तेरी तबीयत ठीक होगी ना, ले जाऊंगी मैं। आप एक काम करें, मुझे ले जाए अपनी दोस्त के पास। आपको तो मैं लेके जा ही रही हूँ। साड़ियाँ ले जा साहब, दिखा ली फिर इसकी दूर। हाय अल्लाह, ये देखो शाइना। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई, कैसे हैं आप? खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे आप भी तो भाई हैं। शफीक भाई, अब्बा जी बता रहे थे कि आप नहीं आ सकते। कैसे हालात, कैसी मजबूरियां, क्या मसले? नहीं, अब्बा जी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। आप कहे ना, बात क्या है? फिर मियाँ जी बताए ना, इजाजत है फिर आपकी तरफ से? नहीं देखिए, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना, और इसमें हर्ज ही क्या है? सही कह रही हूँ, और फसीहा को मैं इनकार भी नहीं कर सकती। आपको तो पता है छोटी छोटी सी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बात बन जाती है। फिर जो दिल करता है करो दे तुम दानो। क्या कहूँ, कहते हूँ मर्दी जो पड़ी खुद। मामा इतना प्यारा लहंगा था ना, मैं बता नहीं सकती, मैं बिल्कुल मेहंदी के लिए वैसा बनाऊंगी। रहन दे, तौबा कर ले, इतना महंगा, तेरे बाबा को बताया तो उनको वैसे ही गश पड़ जाएंगे। ये बड़ी सलाह है, मैंने इसे बताया कि मैं आधी कीमत में बनवा दूंगी, ऐसे ही आपको तंग करी। क्यों तंग कर रही हो अपनी माँ को? और हाँ जी, अब मेन बात, मैंने कहा था ना मिलाद पे हम तीनों एक जैसा जोड़ा पहनेंगी, सफेद, तो मैंने बनवा ली, और ये आपका। तो बड़ा ही प्यारा है वैसे भी लैला, तेरा आइडिया बहुत ही अच्छा। रुबीना, मैंने कहा था ना मिलाद पे हम तीनों एक जैसे जोड़े पहनेंगे, तो मैं ये तुम्हारे लिए भी लेके आई। वो मैं बच्चों के लिए जरा दूध गर्म कर दूँ। अच्छा एक सेकेंड, ये तो सुन लो कि मैंने बारात के लिए क्या ऑर्डर दिया। बाद में सही। चलो जरूरी बात तो बताओ ना, जोया ने फिर कोई जोड़ा पसंद किया वलीमे के लिए कि नहीं? अभी कहाँ, कल फिर जाना पड़ेगा, कोई ढंग का था ही नहीं। अभी तो बड़े फेरे लगने हैं तुम लोगों के, बाजारों के बड़े धक्के खाने हैं। फिकर ना करे, सब हो जाएगा, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल।
हाँ, शॉपिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो तो अंडर कंट्रोल ही होनी है जहाँ तू ना है। ओहो भाई, तो इजाजत भी मिल गई है। नहीं करो शायना, बस अब अच्छे से तैयार होके जाइएगा। मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है इस तरह अक्तस के साथ जाना। वैसे भी सजाद भाई भी आजकल शादी की शॉपिंग की वजह से घर पे नहीं होते। तो मामा ने मुझे सब बताया कि फसिया आंटी आपको अकेली लेने आएंगी, तो फिर? अरे ये तो और भी अजीब सी बात होगी। अजीब ऑकवर्ड यही सोचती रहेंगी। सोचना है तो कुछ अच्छा सोचे ना, और प्लीज खुदा के वास्ते इन सब सोचों के चक्कर में अपनी शॉपिंग का सत्यानाश मत करिएगा। ब्राइडल ड्रेस सोचा किस कलर का लेना है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोचे ना, डिजाइनर होना चाहिए। बड़ा पैसा आया आपकी सास के पास ऐसे। भाईजान। हाँ यार आसिम, वो ऑफिस जाने में जरा देर है। ये मेहमानों की जो लिस्ट है ना, इसमें मेरी जरा हेल्प करा। अब्बा जी के पास में गया था, मैंने कहा कि सारे दूर पर एक रिश्तेदारों के हिफज़ है नाम उनको, लेकिन वो तो मूड ही में नहीं है। अच्छा, मुझे आपसे जरूरी। हाँ आ गया यार, बस अब्बा जी तैयार हो जाए ना उनके साथ जाके, तो जो कार्ड वो पसंद करें ना वो फाइनल कर लेना, ज्यादा दखल ना देना उनकी बात। ठीक है, मना कर दिया उन्होंने, कह रहे खुद सेलेक्ट करा। यार एक तो अब्बा ये बिल्कुल बच्चे की तरह नाराज होके बैठ गए। अब आज तक हर शादी का कार्ड उन्होंने ही पसंद किया। मैंने कहा था चलो मैं सदान को साथ भेज देता हूँ, ये काम भी हो जाए। अब ये काम भी आ गया, कोई हर्ज होता है काम का। अब वो मौली साहब को दो काम उनके जिम्मे लगाए जाहिद साहब के, देखो वो क्या करते हैं। अच्छा आप उन्हें फोर्स ना करें, सदान लेकर आ जाओ। और ये खबीस जानबूझ के ना महंगा कार्ड सेलेक्ट करेगा। मैं ऐसा क्यों करूंगा, कोई मेरी शादी थोड़ी है। देख लिए क्यों चले, देखो ये इसके इरादे हैं। यानी इसका ये इरादा है कि ये अपनी शादी पे भी खर्चा करा के मेरा कचूमर निकलवाएगा। मैं सैंपल ले आता हूँ, आप खुद सिलेक्ट कर लें कोई सस्ता सा। ठीक है, सस्ता सा? हाँ सारे काम जैसे यहाँ सस्ते हो रहे ना भाई, इस घर में कोई कदर नहीं है, किसी तरह ही है, सब बातें सुनाएंगे। सस्ता सा? आप बैठे मेरी बात सुन सुन ले, सुबह भी सुना दे यार। कल रात को मैंने शफीक भाई को कॉल की थी, अब्बा जी ने हमें सब कुछ बताया था, वो सब झूठ है। झूठ है? भाई ब्राइडल ड्रेस तो तुम और अक्तस ही चूज करना। हाँ ज्वेलर्स क्या, मैं तुम लोग के साथ चलूंगी। जी। बेटा तुम अपनी मर्जी से जो चाहे ले लेना। दो तीन चीजें मैंने भी तुम्हारे लिए ली हैं, लेकिन आज मेरा डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, तो आज तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं जा सकती, लेकिन जब मैं फ्री हो जाऊंगी ना तो मैं तुम लोग को ज्वेलर्स क्या मिली। ठीक है भाई, आगे रोकना जरा ये बैंक के पास, अक्तस को बैंक में काम था। हाँ हाँ यही रोक लो भाई, अब तुम दोनों जाओ शॉपिंग करो। ठीक है आंटी, आपकी आवाज अच्छी। आंटी तुम हमेशा मुझे आपा कहती थी, आंटी अजीब सा लग रहा है तुम्हारे मुंह से, तो फिर मैं आपको आपा ही कहूँ। इट्स ओके, वैसे भी अब नए रिश्ते बन गए, अब मुनासिब नहीं लगेगा ना कि तुम मुझे आपा कहो। नहीं बेटा तुम कहाँ से लेट हुए, आज तो तुम जल्दी आ गए हो हैं। अच्छा तुम इसको लेके जाओ शॉपिंग कराओ, ठीक है मैं डेंटिस्ट के यहाँ जा रही हूँ, वहां से फारिग होके ना फिर मैं तुम्हें ज्वेलर के यहाँ मिलूंगी। जाओ जी, ड्राइवर डेंटिस्ट के यहाँ चलो। अस्सलामुअलैकुम बेटी साहब। जी जी वो जी सजाद भाई ने कहा था कि आज आपने पेमेंट देनी है। जी मैं आपकी कोठी के बाहर खड़ा हूँ।
पहले कॉफी हो जाए। नहीं, जिस काम के लिए आए थे वही करते हैं ना। और अगर मैं कहूँ कि मैं आज सिर्फ कॉफी पीने आया था तो? अच्छा जी ठीक है, फिर मैं एक घंटे में आता हूँ। अब्बा जी बेटे से कितने भी नाराज क्यों ना हो, कितने ही खफा क्यों ना हो, लेकिन उसकी कोताही और खुदगर्जी को सबके सामने लाके उसे शर्मिंदा नहीं कर सकते थे, ना ही उसकी इज्जत कम कर सकते थे भाइयों के सामने, इसलिए खुद बुरे बन गए और शफीक भाई पर हर्फ ना ले। अजीब हल्का और हौलापन दिखाया है शफीक। अच्छा भला सेटल है वहां, लेकिन रोने ही खत्म नहीं होते उसके। जब देखो यही रोता रहता है कि हाथ तंग है उसका। हाथ तंग नहीं उसका, बहन से दिल तंग हो गया उसका। फिटे मुंह पे मेरी कल बात हुई थी शफीक भाई से, वो कह रहे थे कि मैं 50-60 हजार रुपए भिजवा दूंगा, जोया से कहना जो उसको पसंद आए वो ले ले। क्या शर्म तो नहीं आई उसे ये बात कहते हुए? अपनी हैसियत देखे, और 50-60 हजार रुपए, उन लाखों रुपए के तो फोन लेके फिरते उसके बच्चे, दो गाड़ियां, अपना घर है, हर साल यूरोप का ट्रिप है, और एहसान जिता रहे 50-60 हजार रुपए का। मना कर दे उसे यार, लाख नहीं लाने दे। अच्छा, तो रहने दे यार। अच्छा आप एक बात का वादा करो मुझसे प्लीज, आप अब्बा जी को हरगिज ये बात नहीं बताएंगे कि हमारी शफीक भाई से बात हुई है। क्यों कब हरम रहने दे, सियाद भाई वो पहले ही बहुत दुखी है, अच्छा तो नहीं लगेगा ना, उनका झूठ उनके सामने खुल जाएगा, आप बस इस बात को पी जाए। ठीक है अब इसे नहीं करूंगा मैं बात, लेकिन शफीक को वो सुनाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा, परदेश के पानी ने ना आग का पानी मार दिया उसका। नहीं होगा लेकिन इज्जतदार और गैरतमंद लोगों के लिए होता है। फसिया, मेरे खाले जुत्ती ठीक है, मैं चमड़ी ला देंगे। चाची जी? हाँ तू और कौन, घर का बड़ा बनना इतना आसान नहीं होता। सजाद से कहना, मैं तो कहती हूँ आप भी चली जाएं। मैंने भी जाना चाची जी। एक जरा सा काम मैंने क्या कह दिया, तूने तो कोरा जवाब दे दिया, और जो सारे तेरे औखे सौखे काम मैं करती हूँ वो, और तेरे चाचे से जो इजाजतें लेके देती हूँ वो मैं करूँ। 3 दिन के बाद मिला दे, अनीला का यहाँ होना जरूरी है। वो मुझे पता है चाची जी, पर ये भी तो कोई बात नहीं है ना कि हमेशा मैं ही कुर्बानी का बकरा बनूं। चलो दोनों मियां बीवी शाम को चले जाना, अलाउद्दीन भी होगा वहां। तो मैं फिर अभी चली जाती हूँ, दो दो को नहीं मुझसे मनाया जाना।
है जो बार बार मैसेज कर रहा है? शाइना है, ऐसे ही तंग कर रही है मुझे। तुम इतने सारे लोगों में बहुत सी मोहब्बतों के साथ रहने की आदत, मेरे साथ अकेली रहते हो? आगे लग जाए दिल लग जाएगा तो रह भी ये की ना तुमने राइटर्स वाली बात कुछ नहीं लिखा? नहीं, ये सब जो शुरू हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लिखना चाहिए। हाजरा अब निकल भी आ। अरे चाची जी बस मैंने कहा जरा जाने से पहले जल्दी जल्दी मैं किचन का काम निबेड़ लूं। आप ना लैला से कहना कि शॉपिंग पे जाने से पहले ना किचन में जाए और जाके कोई सलाद चटनी बना दे, खाना मैंने बना लिया। हाँ कह दूंगी, जाएगी कैसे सजाद के साथ? तो अब्बा करें, साफ जवाब दे दिया। सदान से कहा था, वो भी कन्नी कतरा के तो चला गया। अब कोई रिक्शा और टैक्सी कराऊंगी। हाय आ गया तू, कितना अच्छा किया मेरा भाई, मुझे जरा नीला की तरफ ले जा। हैं जोया किधर है? गई है शादी का जोड़ा लेने। तू क्यों फुंकारे मार रहा है? किसके साथ? फसिया के साथ, अपनी सास के साथ गई है, और किसके साथ जाना है उसने? उसके साथ या अकदस के साथ? का आप लोग हैरान होने के बजाय घबरा रहे हैं जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। इसका मतलब है कि इस सारी हरकत में सब मिले हुए हैं। मेरा भाई वो पता है असल में। बस भाभी कोई झूठ नहीं बोलिएगा, और मैंने अपनी आंखों से देखा है वो अकदस और जोया को कट्ठे। हाँ तो क्या हो गया, फसी अभी तू वहीं थी? और वो नहीं थी साथ, और खुदा जानता है अब मैंने कैसे बर्दाश्त किए ये बेहयाई, और मैं सरेआम तमाशा नहीं डालना चाह रहा था। और अकल पे पर्दे पड़ गए सबके, और फैशन और आजाद ख्याली के चक्कर में इतना आगे बढ़ गए कि बेहयाई इख्तियार कर ली हुई है। और वो विलायत से आया हुआ लड़का, और उसके साथ मेरी बहन को अकेले भेज दिया बेपर्दा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। क्या इतने ज्यादा पैसे? शादी की शॉपिंग करनी है। वो शादी की शॉपिंग करनी तो इतनी महंगी करने की क्या जरूरत है? शॉपिंग करनी है क्या, डाका डालना है? मतलब 1.5 लाख रुपए मैं तुझे तेरे फजूल जोड़ों के लिए दे दूं तो बाकी खर्चे कौन पूरे करेगा? बाबा सिर्फ 3-4 जोड़े ही तो हैं, और महंगाई भी तो किस कदर है। मैं भी यही कह रहा हूँ, महंगाई बहुत ज्यादा है भाई। ये तो देख लें पहले। ओ नहीं भाई, कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और ये बुटीक और ब्रांड ब्रूंड जो है इसको छोड़ो, और एयर की बस ये दरमियानी कीमत के कुछ जोड़े खरीद लो बस। बाबा प्लीज प्लीज ये देखें पहले। मैं यार तू क्या ये शोखे और अजीब शोधे किस्म के कार्ड लेके आ गया, आंखों को खाने को पड़ रहे। अच्छा बाबा मैंने ना एक फैसला किया, एक काम करते हैं, आप सिर्फ 1 लाख दे दें। 1 लाख रुपया सिर्फ नहीं होता। ये दोनों डिसेंट नहीं है? वो यार जो भी इसमें से सस्ता है वो वस्तु करा ले। मतलब कार्ड के ऊपर इतना खर्चा करना, मेरी बेवकूफी मथे में लगा के फिरना है कुछ? बाबा प्लीज मान जाना, तू जान ले मेरी यार फिर। नहीं, रेड नहीं। इसके अलावा कोई और कलर, कोई और डिजाइन जो तुम्हें पसंद हो? मुझे अम्मी ने कहा था रेड ही लो। यार फिर तुम्हें यहाँ लाने का फायदा क्या हो अगर तुमने दूसरों की पसंद से ही पहना? अच्छा ओके फाइन, अगर तुम्हें रेड कलर पसंद है तो इट्स ओके, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ अलग होता, थोड़ा डिफरेंट। फोन आ रहा है, मुझे दिखाओ सर। मैं ऐसे बताता हूँ कि हमें बार बार परेशान करने से कितना महंगा पड़ेगा। क्यों तुम्हें चैन नहीं है? कौन, कब, फिर अब? मेरी मैं खुद आता हूँ जिया को लेकर, मैं खुद उनसे बात करूंगा। क्या हुआ? मगर मॉम, अच्छा ठीक है मैं उनसे खुद बात करता हूँ। ओके बाय जोया, हम ये भी घर चल रहे हैं। क्यों? तुम मोबाइल पकड़ो, आल चलिए। मीजी अब तो हद ही हो गई है, इज्जत और गैरत का जनाजा निकाल दिया है। और अफसोस की बात ये है कि आप सब लोग शामिल हैं। ओ ये क्या शोर मचा रखा है, चुप करो बस। भाईजान आपको कुछ नहीं मालूम,
यहाँ पर क्या तूफान आया हुआ है? कोई तूफान नहीं आया हुआ, और सब सुन लिया मैंने। और इसी तरह गला फाड़ फाड़ के चीखता रहेगा ना तो सारा मल्ला सुन लेगा, फिर आएगा तूफान। वाह सजाद भाई, लोगों का खौफ है, अल्लाह का खौफ नहीं। जुबान को लगाम दे, खुदा का खौफ कर। हैं? बहन के बारे में इस तरह बातें कर रहा है? और जो बहन ने मेरी गैरत का जनाजा निकाला है वो आने देना जरा उसको घर आज, आने दे। के पास ना जाहिद, दो चार दिन की मेहमान रह गई, उसके क्यों पीछे पड़ गया? ओ अम्मी जी, मैं भी देखता हूँ कैसे होती है शादी उस आवारा बदकुमाश से। मैं तेरे साथ आराम से बात कर रहा हूँ, तू आगे बढ़ते ही चला जा रहा है। भाई जान, जो हमारी इज्जत को सड़कों पर लेकर ये उछाल रहा हो वो आगे क्या करेगा? सोच ले। तेरा बेड़ा तर जाए जाहिद, बहन का घर ना बसने देना। ओ अम्मी जी, मुझे ये कबूल है कि मेरी बहन सारी जिंदगी इस घर में बैठी रहे, मगर ये गवारा नहीं है कि ऐसे लोगों में भी आई जाए। कौन है भी तू फैसला करने वाला? कौन है तू? है आजा बुलाओ अब्बा जी को, वो फकवा बंद करें इसकी। हाय अल्लाह, भाई इतने मसले थे तो हाजरा को मुझे पहले ही मना कर देना चाहिए था, इतने बड़े इश्यू बनाने की क्या जरूरत थी। अरे भाई तुम कहाँ रह गई? क्या हुआ बेटा, डर रही हो तुम? लो इसमें डरने की क्या बात है, शॉपिंग ही तो करने गए थे ना। है घबराने की कोई बात नहीं, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। आजा आजा। आप लोगों के नजदीक ये कोई बात ही नहीं है? वाह 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 वाह, बड़े मॉडर्न हो गए। तो अकदस कौन से कोई गैर है? ज़ोया का मंगेतर है, चंद दिन में शादी हो जानी है, सैर सपाटे थोड़ी करने गए हैं, शादी की शॉपिंग करने गए हैं, फिर फिसिया भी साथ है, तो तुझे तकलीफ क्यों हो जाती है हर बात पे? वो इतने नए रिवाज किस लिए? मेरे होते हुए इस घर में ये बेहयाई नहीं हो सकती। तो तुम्हें दफा हो जाओ तुम यहां से, ताकि सुकून और अमन से काम हो जाए। शॉपिंग हो गई, आजा आजा आजा। बैठो बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। अंदर ले जाना अपने कमरे में, चाय शाय बनाओ, चलो आ चाय पीते हैं। एक मिनट, पहले मुझे बात करने दें। जाए तुम अपने कमरे में जाओ, बैठो फसिया। नहीं जाऊंगा मैं, पहले मुझे इनसे पूछने दें कि क्या आपके घर में यही माहौल है, यही चलन है? क्या मतलब? वो मतलब ये है आपा, कि आप हमारे घर में आती हैं और हमारे घर से मेरी बहन को अपने साथ शॉपिंग के बहाने लेकर जाती हैं और फिर अपने बेटे के साथ भेज देती हैं जो कि उसका नाम महरम है। तो नौजवान नस्ल को हम क्या इल्जाम दें जब माँ खुद अपनी औलाद के साथ शरीक है? बड़ी तरबियत करनी है आपने उसकी। जाहिद मैंने कहा ना चुप कर जाओ। जाहिद, अल्लाह के फजल से में कोई कमी है और ना ही मेरे घर के माहौल में। कसम खुदा का, क्या हुआ अगर दोनों बच्चे शॉपिंग करने चले गए, शादी की शॉपिंग करने गए? उन्होंने जिंदगी एक साथ गुजारनी है, अगर अपनी पसंद की चीज ले ली तो इसमें क्या हर्ज है? आपके लिए हर्ज नहीं होगा, लेकिन इज्जतदार और गैरतमंद लोगों के लिए होता है। अगर तुमने एक लफ्ज अब और बोला ना तो मैं धक्के देके तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। भाईजान कोई फायदा नहीं है, खाला जी इसने तो मुंह भर के हमें बगैरत बेइज्जत कर दिया है। हां ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बकबक करता रहता है, ऐश होता है। मुझे कहने दें, हमारे घर में ऐसी बेहयाई नहीं होती। पता नहीं क्या कह के आपने इन सबको राजी कर लिया है। मैं अब कह रहा हूँ मेरे होते हुए यहाँ पर ये नहीं होगा। तू चल अंदर, चल छोड़े मुझे, मैं कह रहा हूँ चल छोड़े, हमारी बहन के लिए रिश्ते की कमी नहीं है। बेवकूफ जाहिल आदमी के साथ बदमाश। खाला जी हद ही हो गई है ये, मेरे मुंह पे मेरे बेटे को वारा कह दिया इसने, ये नहीं होना चाहिए था, ये सही नहीं है। खाला जी शादी के लिए रिश्तों के लिए आपको छानबीन कर लेनी चाहिए थी। ना हुसन तेरे खालू जी है ना, वो अभी एक चपेड़ मारेंगे इसको, चित्तर पड़ेंगे ना तो सीधा हो जाएगा देखना। अच्छा चल चाय पीते हैं, आजा मेरी बहन। फसिया
सबको मना भी किया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे इसी बात का डर। वो आपको तो पता है चाचू का, आप तो रोना बंद करें। शायना, आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं कहा। मेरी इज्जत पे एक भी आंच नहीं उठी है और अब देखो जरा। और यकदस मुझे फोने करता रहता है, नहीं बात करनी मुझे उससे। तो उठाए ना। नहीं, बात करे। नहीं, ये सब उसकी वजह से हुआ है, मुझे उससे नहीं बात करनी। न जाने किस सदी में रह रहे, मैं तो समझी इतने सालों में बदल गए होंगे। हाय, वही धक्कियानूसी रिवायात और ख्यालात, तंग नजरियां, मैं क्या बोलूं। ऐसे लोगों को ना तलीम से फर्क पड़ता है और ना ही तरक्की से। तौबा है। सब ऐसे नहीं है मां, ये तो जाहिद भाई ही कुछ। पुत्र, घर का माहौल ऐसा हो ना तो फिर ऐसी ज़हनियत परवान चढ़ती है। कोई एक आदमी नहीं मुख्तलिफ होता, सारा का सारा खानदान ही एक जैसा है। अलग चीज है बेटा, लेकिन बदतमीजी और जहालत वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और इतनी बदतमीजी की है उसने मेरे साथ, इतनी इंसल्ट की है मेरी, और तुझे तो पता नहीं क्या क्या अल्फाजों से बोला है। हैं? तुझे मैं इतना कुछ बता रही हूँ, तू अभी भी उनकी साइड ले रहा है। मैं उनकी साइड क्यों लूंगा, मैं उनका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़ाया मेरा गुस्सा कम करने के। हा? कुछ गलत नहीं किया मैंने, आप लोग बड़े, आपके करने का था ये काम, लेकिन नहीं, आप लोग तो कल के बच्चों के सामने बेबस होके सब कुछ भुला के बैठ गए। इज्जत भी गई और गैरत भी। जो भाई गैरत है मामे, ऐसे ऐसे ही मुंह भर के फसिया के सामने उसे बेइज्जत और खानदान को बेगैरत कहा इसने। मेरी छोटी की थी। और आपको पता है अकदस को होने वाले दामाद को आवारा और बदमाश बदी। और जैतून बहनो छोटी किधर है? इरी हम लड़की वाले होके हमने लड़के वाले को नाराज किया, उस वक्त गैरत नहीं जागी इसकी? मेरे ख्याल से जुत्ती ठीक है, मैं चमड़ी ला देंगे। चल मारे ना पाच, मारे ना, रुके हुए जूतियां भी मार ले मुझको। यहाँ पर इस घर में सब मार सकते हैं मुझे, बच्चा बच्चा मुझे जूतियां उठा के मार सकता है, इसलिए नहीं अब्बा जी के मैं गलत हूं। सिर्फ इसलिए कि मैं दूसरों के खर्चे और सहारे पर मैं कमाता नहीं हूं ना अब्बा जी, इसलिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। मारे इस गंदे अंडे को, मारे 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 मारते इस गंदे अंडे को। इसे मैंने ही मार गया यार, प्लीज ऐसे ही बस हूं। दिल में आता है बोल देता है। अकदस कह रहा था कि वो माँ को ले आएगा। अब्बा जी समझदार लड़का है, वो सब संभाल लेगा। मेरे दिल में आपकी कितनी इज्जत है, लेकिन इज्जत के बदले इज्जत भी तो होनी चाहिए ना। इज्जत ही तो है, माफी तो मांग रहा हूँ। खालू जी, माफी तो जाहिद को मांगनी पड़ेगी।